नमस्कार दोस्तों, ये है MPS का होम थिएटर का ऑडियो बोर्ड। तो दोस्तों ये ऑडियो बोर्ड देखिए, इसको निकालते हैं बाहर डिब्बे से। तो ये दोस्तों ऑडियो बोर्ड होम थिएटर में लगा होता है, बहुत से होम थिएटर टावर में लगा होगा होता है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन करना इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप इसके कनेक्शन बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हाँ मैं इसके कनेक्शन बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों वायर नहीं लगे हुए हैं, बस इतने से ही वायर होते हैं और इतने ही वायर में सभी कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे 12012 ट्रांसफार्मर के। तो ये दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर है 12012 2 एम्पियर का, SRS कंपनी का है। तो इसके दोस्तों कनेक्शन होंगे, देखिए यहाँ पर ये 3 वायर लगे हुए हैं, इनको हटा देना है क्योंकि ये साथ में लगकर वायर आए हुए हैं, ये साथ में ही वायर लग के आते हैं जो ऑडियो बोर्ड आता है। अगर आपका ऑडियो बोर्ड साथ वाला नहीं है, मतलब होम थिएटर के साथ वाला है, तो यहीं पे इसके कनेक्शन होंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरह से इसके वायर लगाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। देखिए पीला वायर, नीला वायर और फिर पीला वायर। तो इस तरह से इसके कनेक्शन हो गए हैं। तो दोस्तों अब कनेक्शन करेंगे सबवूफर स्पीकर के। तो ये दोस्तों हमारे पास है 4.2 इंच का होम थिएटर का सबवूफर स्पीकर। तो दोस्तों इसके वायर लगेंगे इस पीले वायर की जगह पर, जहां पर ये पीले वायर इसमें लगे हुए हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों दोनों पॉइंट पर ये सबवूफर स्पीकर के वायर लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबवूफर स्पीकर के भी कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों इसमें कनेक्शन करेंगे मेन स्पीकर के। तो इसमें दोस्तों ये 4-4 इंच के 2 स्पीकर लगाएंगे। तो इसके दोस्तों कनेक्शन होंगे, देखिए सबसे लास्ट में ये जो 3 वायर लगे हुए हैं, यहीं पर इन दोनों स्पीकर के वायर लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शन करने के लिए देखिए, एक इस साइड से दिखाते हैं, देखिए एक ये एक, देखिए इस साइड का वायर और एक इस साइड का वायर, मतलब एक ही साइड के दोनों वायरों को उमेट लेना है, मतलब आसमानी कलर के जो वायर हैं उनको आपस में इस तरह से उमेट लेना है, ठीक है। और इसके वायर लगाएंगे इसके बीच वाली पिन पर, क्योंकि ये पिन होती है ग्राउंड की, ठीक है। और ग्राउंड सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में जो बीच वाला वायर, जैसे इसमें ये नीला वायर है वो ग्राउंड होता है, और यहीं से सभी जगह ग्राउंड के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड की जगह पर इन दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में स्पीकर का एक वायर इस साइड में लगाना है और दूसरा वायर दूसरी साइड में लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से स्पीकर के भी कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों इसमें कनेक्शन बचे हुए हैं वॉल्यूम के। तो चलिए वॉल्यूम के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें लगाएंगे ये 6 पिन का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोस्तों 6 पिन का वॉल्यूम है 100K का, ठीक है। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें कनेक्शन होंगे यहाँ से, देखिए ये 3 वायर लगे हुए हैं, हरा वायर, पीला वायर और लाल वायर। तो इसमें जो हरा रंग का वायर है ये है ग्राउंड। तो चलिए तीनों वायरों को सोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
कि इसकी जो ग्राउंड वाली पिन है वो आपस में इस तरह से मिला देंगे, जिससे कि ग्राउंड दोनों पिनों में आता रहे, एक ही वायर से दोनों में ग्राउंड आता रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें लगाने हैं हरे रंग की वायर, दोनों वायर इकट्ठा करके और इस तरह से इसको सोल्ड कर देना है। उसके बाद में जो पीले कलर की और लाल कलर की वायर है, इसको इस बोलियों में दोनों बीच वाली पिनों पर सोल्ड कर देना है। ठीक है, एक अपर और एक डाउन पर। तो इस तरह से दोनों पिनों पर इसके वायर सोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों करेंगे इसमें कनेक्शन बेस के वॉल्यूम के। तो इसमें दोस्तों ये 3 पिन का वॉल्यूम लगेगा, ये भी दोस्तों 100 का वॉल्यूम है। तो इसमें भी दोस्तों 3 वायर हैं, ठीक है, हरे कलर का, पीले कलर का और ये लाल कलर का। तो इस तरह से इसमें पेस्ट लगा दिया है। तो ये भी दोस्तों वॉल्यूम उसी तरह से काम करेगा, ग्राउंड की पिन, ऑडियो की पिन और इनपुट की पिन। तो बारी बारी से तीनों वायरों को सोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हरा वायर, उसके बाद में पीला वायर और उसके बाद में लाल वायर। ठीक है, इस तरह से तीनों वायरों को सोल्ड कर दिया है नंबर बाय नंबर। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कनेक्शन करेंगे ब्लूटूथ पैनल के, उसके बाद में इसको चेक करके दिखाएंगे। तो ये दोस्तों है हमारे पास ब्लूटूथ पैनल, इसमें एक तरफ ये सॉकेट लगा है 4 पिन का, इसमें सबसे लास्ट वाली FM की वायर होती है। ठीक है, और ये 3 वायर है ऑडियो आउटपुट के। ये दोस्तों 2 पिन का सॉकेट है, उसमें एक लाल वायर है वो है +5 वोल्टेज की, और काली वायर है वो है ग्राउंड की। और ये दोस्तों एक अलग से ग्राउंड की वायर लगाई हुई है, मेमोरी सॉकेट होता है उसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक ये वायर जो कि ग्राउंड में लगाई हुई है और दूसरी ये वाली वायर, ये भी काले रंग की वायर है वो भी ग्राउंड है, और इस 3 पिन सॉकेट में जो बीच वाली वायर है ये वाली वायर, ठीक है, ये भी ग्राउंड है। तो इन तीनों वायरों को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि ये तीनों वायर हैं इसकी ग्राउंड है। तो इसको लगाएंगे ग्राउंड में, देखिए जहां पर ट्रांसफार्मर के बीच वाली वायर लगी हुई है वो ग्राउंड है, तो वहीं पर इसको सोल्ड कर देना है एक ही जगह पर तीनों वायरों को। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में ये जो लाल वायर है ये है +5 वोल्टेज की, तो इसको लगाएंगे जो 7805 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो इसका काम होता है ये 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज बनाता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है 12 वोल्टेज का। ठीक है, 12012 का है, मतलब 12 वोल्टेज ये माइनस बनाएगा, 12 वोल्टेज ये प्लस बनाएगा। तो ये 12 वोल्टेज से ट्रांजिस्टर क्या करता है, 5 वोल्टेज बनाता है, जिससे कि ये ब्लूटूथ काम करेगा। तो इसमें जो नीले रंग की वायर है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसी जगह पर लगेगी ये लाल कलर की वायर, तो इसको यहीं पर सोल्ड कर देंगे ट्रांजिस्टर के जस्ट नीचे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो इसमें 2 वायर बची हुई हैं, इसका जो 3 पिन सॉकेट का एक वायर तो ग्राउंड में लगा दिया है, 2 वायर बची हुई हैं, एक अप और एक डाउन। तो इन दोनों वायरों को लगाना है मेन वॉल्यूम में। ठीक है, देखिए मेन वॉल्यूम में अभी भी देखिए लेफ्ट और राइट वाली दोनों पिन हैं वो खाली हैं। ठीक है, तो इसी में इन दोनों वायरों को सोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से
मेन वॉल्यूम के वायर भी लग गए हैं सभी वायर, ठीक है। अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास है बिजली वाला बोर्ड, तो चलिए इसको लगाते हैं बिजली में। देखिए लाइट आ गई है। दोस्तों अभी क्या है कि आवाज़ बढ़ाएंगे तो आवाज़ कम हो रही है, कम आवाज़ करेंगे तो इसमें बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके पॉइंट चेंज कर देंगे, इस तरफ के दोनों वायर लगा देंगे इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ का वायर लगा देंगे इस तरफ। तो इन दोनों वायरों को हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हरे रंग का वायर लगा देंगे इस साइड में। उसके बाद में जो इसके लेफ्ट राइट के वायर हैं वो इस साइड में लगा देंगे, जिससे कि वॉल्यूम है वो उल्टा काम करना लगेगा। ठीक है, इस तरह से इसके वायर हैं वो चेंज कर लिए। चलिए फिर से लगाते हैं इसको। FM mode. अब ये बिल्कुल सीधा काम कर रहा है। तो चलिए अब लगा करके दिखाते हैं मेमोरी कार्ड। तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस तरह से आप होम थिएटर के ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।